भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया, जहां सीएम ने कहा, हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व कितना है। कोविड 19 के दौरान, दूसरी लहर के दौरान एक ही ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हमने लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान होता हुआ देखा, और वो थी ऑक्सीजन। कोरोना काल में ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी, जिसे जुटाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 68 प्लांट्स हमारे स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 65 ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू भी हो चुका। हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक बाकी के प्लांट्स भी क्रियाशील कर दिए जाएंगे। इसी के साथ 25 और 26 अगस्त को एक बार फिर से जागरूकता के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई। बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर यह महाअभियान चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा सीएम शिवराज ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करते हुए कहा कि हमने कोरोना काल में देखा, दूसरी लहर के समय देखा, ऑक्सीजन का मतलब जिंदगी था। ऑक्सीजन की कमी के चलते जिन लोगों ने दम तोड़ा, अगर ऑक्सीजन की कमी ना होती तो उन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बेहद महत्वपूर्ण। प्रदेश में 190 ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। 65 ऑक्सीजन का प्लांट से उत्पादन होना शुरू भी हो चुका है, और इस तरह से आगे भी जल्द ही अन्य तमाम जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किए जाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई। पीएम केयर फंड से हमें सहायता मिली, और मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष हो, सीएसआर फंड्स हो, मैं आदरणीय सांसदगण और विधायकों का भी आभारी हूं। कई विधायकों ने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट में सहयोग करने का फैसला किया, और मुझे कहते हो खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।